अपने दो दिवसीय दौरे पर इंदौर आए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि मेरे पास जब खबर आती थी कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से बिक रहे थे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। हमें इस बात का दुख है कि उनका खुद का उभरता नेतृत्व था, कांग्रेस पार्टी में हुई पूरी संभावना थी उन्हें आगे आने की, लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद उनके बयान आ रहे हैं जो कि और भी ज्यादा दुखद है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल मंदसौर में गोलीकांड की बरसी पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुराना वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। आज वही शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठकर वे मंच साझा कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जो भी धार्मिक भावना को भड़का कर बयान देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें अगर कोई ऐसे प्रमाण है तो ये बाध्यता है राज्य सरकार की, उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस में अति उत्साह है, भाजपा में अति निराशा है। नंबर तीन, इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा को हराना चाहता है, इसलिए सेबोटाज और जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं वो फैक्टर अब नहीं रहेगा चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। बागड़ी जी का आखिरी सवाल कि ना हमें, देखिए बात यह है, पहली बात तो यह है हमारे कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, चलिए हमारे साथ जरा पैदल करके चल के दिखा दें तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है कौन बूढ़ा है। जहां तक बी डी शर्मा का सवाल है, हमें उसकी चिंता नहीं। कितने केस खोलोगे, खोल दो, कोई डरते हैं तुमसे? दिग्विजय सिंह ना कभी डरा है ना डरेगा। और आपसे बी डी शर्मा जी, आपके क्या क्या आप कर रहे हो ये मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। तीसरा आपने क्या कहा था, के दंगे की बात में कमलनाथ जी के खिलाफ आज तक 16 करीब 40 साल हो गए, 40 साल में FIR तक दर्ज नहीं हुई, कैसी बात करते हैं? ये तो देखो, ये भाजपा चुनाव हार रही है और हारने के डर से वे इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए एक सवाल पीछे, सोचा है मेरे 10 साल के कार्यकाल में कर्जा 23,000 करोड़ था, आज 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। जहां तक आपने प्रश्न किया है पेंशन कांड के मामले में कांग्रेस पार्टी ने प्रमाण दिए थे भाजपा के समक्ष और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी भारत कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद। उसकी प्रक्रिया भी, अवैध नियुक्तियां हुई थी उसका भी हम लोगों ने प्रोसेस चालू कर दिया था और उस पर कार्रवाई होने वाली थी सरकार गिरने से पहले। जहां तक जैन कमीशन का सवाल है, मैंने आज कमलनाथ जी का बयान पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जैन कमीशन रिपोर्ट वो उजागर नहीं की भाजपा ने। ये तो उनके पास जानकारी होगी, मैं तो मुख्यमंत्री था नहीं कि कमीशन की रिपोर्ट कमलनाथ जी के पास पेश हो गई थी कि नहीं हो गई थी। पहली बात तो ये रामराज की शपथ दिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका पालन भी तो करना चाहिए। एसपी साहब, आप झूठे प्रचार किस कांग्रेस पे लगा रहे हैं, गरीबों पे लगा रहे हैं, खुलेआम नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप खुद आचरण तो करो रामराज होने के नाते, चुने हुए प्रतिनिधियों क्यों नहीं बुलाते आप? अपने दौरे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साथ लेके काय को घूमते हो? क्या ये केंद्र के नियमों का उल्लंघन नहीं है? चुने हुए
विधायक कांग्रेस का विधायक को आपने सूचना क्यों नहीं दी? जहां तक दबों का प्रकरण है, बात यह है कि मुद्दा क्रिएट किया जाता है। सारा प्रेस लगा हुआ था महाकाल के अंदर भ्रष्टाचार का, मुद्दा डाइवर्ट करना था, हिंदू मुस्लिम करना था, तो हिजाब ले आए दबों पे, खुद ही शिकायत करवाते हैं और खुद ही उसका उल्लंघन करते हैं। पूरे तरीके से प्रदेश में इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। कर्नाटक में जो हुआ कितना चला, हिजाब का मैटर कितना चला, नतीजा क्या निकला, झटका का और उसका। और बात दूसरी भी है कि हमें घोर आपत्ति है। मैं भी एक आस्थावान सनातन धर्म हिंदू धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, मेरे परिवार में भी अनेक, हमारे मंदिर है जिसमें हनुमान जी का मंदिर भी है, हम हमारे घर से बिना हनुमान जी के दर्शन कर निकलते नहीं है। उन बजरंग बली की तुलना आप बजरंग दल के गुंडों के साथ कर रहे हैं, हमें आपत्ति इस बात की है। जो बजरंग दल के लोग अफीम का, गांजे का तस्करी करते हैं, उनकी तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनकी तुलना आप बजरंग बली से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। और आपने ये बयान देकर कि बजरंग बली का नाम लेकर आप भाजपा को वोट दो, ये अपने आप में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। और जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत अपराध है। चलो संजय, ऐसी कांग्रेस के नेताओं की, स्थानीय नेताओं की भीड़ आए का कभी शायद एक तबाह। देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 और 4 सन 77 की हवा में जगदीश शर्मा जीते थे 4 से और सुरेश सिंह जीते थे 2 से। वाकई में ये बहुत हमारी चिंता का विषय है कि दोनों सीटें हम लोगों की गढ़ रही है, ये गढ़ रहा है, कैसे हम लोग कमजोर हो गए, क्या उसके दो कई कारण हो गए। जहां तक कैलाश विजयवर्गीय का सवाल है, मैं मुख्यमंत्री था, 10 साल तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का नेता ये नहीं कह सकता कि मैंने उसके साथ अन्याय किया। यहां के इंदौर के वे निर्वाचित महापौर थे और महापौर होने के नाते ये मेरी जवाबदारी थी कि सरकार में पूरा पूरा सहयोग इंदौर शहर के उन्नति के लिए हम सहयोग करें। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय जी को उस समय महापौर को मैंने सहयोग किया था, व्यक्ति को नहीं किया था, महापौर को मदद की। राणा जी, दिनेश जी, मेरा अब देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने के जो बयान हम देख रहे हैं, तो कमलनाथ जी से ज्यादा टारगेट दिग्विजय सिंह जी को किया जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह से घबरा रही है या डर रही है, आप क्या मानते हैं, क्योंकि मैदान में तो आप निकल पड़े हैं। नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दिन तक नीरे राखिए आंगन कोठी छवाए। मुझे अच्छा लगता जब मेरी आलोचना लोग करते हैं, तो जितना मुझे गाली देते हैं मैं उसे स्वयं स्वीकार नहीं करता हूं, वापस लौटा देता हूं, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भारतीय जनता पार्टी तो आज 3 खेमों में बढ़ गई है। यहाँ पे से एक व्यक्ति के ने जो एक उल्लेख किया था कि 3 धड़ों में भाजपा लुट गई है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, वो आज हर जगह देखने को मिल रहा है। फिजूल खर्ची रोक के एक दूसरा कमलनाथ जी बहुत ही अनुभवी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, 2018 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो किसानों के कर्जा माफ करने के लिए आरबीआई गवर्नर से मिलके उन्होंने
किसानों के साथ पहली बार इस देश में वन टाइम सेटलमेंट में जो दंड ब्याज लगा था वो माफ करवाया और कुछ मूलधन में से वापस कम करवाया। आज तक इस देश के किसी हिस्से में बड़े बड़े व्यापारियों के साथ तो वन टाइम सेटलमेंट में सौदा हुआ, मतलब उनका तो केस कर्जा माफ हुआ है, लेकिन किसानों का कर्जा कम आरबीआई के डायरेक्टिव में वन टाइम सेटलमेंट में केवल एक बार हुआ है, जब कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी ने उसको करवाया था। एक दूसरा ये भी बात आप समझ लीजिए कि मोदी जी के शासनकाल में 12.5 लाख करोड़ का बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का कर्जा माफ हुआ है। इस बारे में भी आप देख लीजिए कि एक पैसा किसी गरीब का, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 12.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। ये नहीं है, प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री जब छोटी छोटी बातों में बयान देते हैं, ट्विटर पर डाल देते हैं, आज चुप क्यों है? ये वो सारे हमारे महिला पहलवान हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनल कंपटीशन में, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक जीते हैं। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद वो वहां पे शिखर पे पहुंची, राष्ट्र का सम्मान बनाया। वो शिकायत करते हैं प्रधानमंत्री जी से आकर के हमारे साथ इस तरह का व्यवहार आपका रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी करते हैं जो कि भाजपा के सांसद हैं। उनसे कहा जाता कि मैं इसकी जांच करवा लूंगा, जांच में क्या आया? आज तक उजागर नहीं हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे एफआईआर दर्ज करना तो बंधन है पुलिस के ऊपर, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। और उसके बाद किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया है, शर्म आती है। भारत की छवि जितना इस प्रकरण में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के सांसद की वजह से बिगड़ी है, उतना हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चारों तरफ थू-थू हो रही है कि हम लोग तो, हमारे देश में कोई मेडल जीत के आता तो हमारा तो एक हीरो के रूप में होता है, हीरोइन के रूप में होता है, और यहाँ पर पुलिस के लोग उनके घसीट घसीट कर ले जा रहे हैं महिलाओं को। शर्म आनी चाहिए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ऐसा है, बुरहानपुर में किसी भी को बाहर नहीं किया गया था। हम तो खुद मंच पे बैठते नहीं है, हम सब नीचे बैठते हैं। तो एक व्यक्ति मंच पे खड़ा हुआ था, हमने सब नीचे बैठ जाओ, वो एक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। तो हमने कहा भाई तू नीचे बैठ जाओ, सब लोग नीचे बैठ जाओ, हम लोग सब ये मंच महिलाओं के लिए खाली करेंगे। उससे नाराज होकर चला गया था। जहां तक सुरेंद्र सिंह शेरा का सवाल है, वो कांग्रेस के परिवार का आदमी पुराना है, निर्दलीय लड़ा था और भारत जोड़ो यात्रा में काफी उसने सहयोग किया था, और उसमें माननीय कमलनाथ जी और सभी से पूछकर उनको हमारी बैठक में बैठाया गया था। चलिए कपीश, तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण है और दूसरे समुदाय को गलियां ना के ये नीति है। एक बात समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पर हम लोगों का बयान आ चुका है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देनी चाहिए और समरी ट्रायल होना चाहिए, हम कह चुके हैं। लेकिन हम वो भाजपा नहीं है जो जम्मू में एक मुस्लिम लड़की के साथ रेप होने के बाद उस रेप करने वालों के पक्ष में बीजेपी के लोगों ने जुलूस निकाला। हम ऐसी बात नहीं करते। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उन्होंने साफ इस बात में कहा है कि शिकायतें आई हैं,
और शिकायतें आप कहीं भी चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, वहां पर मुसलमानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है इनके राज में। तो उसमें अगर कोई बात कही गई है, कोई गलत बात नहीं कही गई, ये कोई तुष्टिकरण नहीं है, ये न्याय की बात है।